अच्छा, हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। इसका क्या होगा ऑप्शन आप बताइए। ए होगा जिसमें है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या फिर बी होगा ए स्क्वायर प्लस बी, और सी में है टू ए बी, और डी में है ए प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा वन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको हम अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो सकता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी यही है, सही है, ये और ये दोनों ही सही हैं। यदि आप कहीं ऐसा देखे होंगे, तो ये नहीं समझेगा कि ये गलत है, या फिर ऐसा देखेंगे तो ये गलत, दोनों ही तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो इसमें हमारा पहला आंसर है ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी स्क्वायर, और सी नंबर में हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और फिर चौथा हमारा टू ए माइनस बी। तो इसका भी सेम सी ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को, यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होगा। तो इसका देख लेते हैं, ए नंबर ए ऑप्शन में है ए प्लस बी, बी ऑप्शन में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और सी में हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर, और डी में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। तो इसका सही आंसर बी होगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होगा। यहाँ पे गलती हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो इसका ऑप्शन है ए में ए प्लस बी स्क्वायर, बी में बी माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, सी में ए बी, और डी में हमारा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही इसका आंसर होगा, डायरेक्ट डी नंबर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा आंसर। तो ए नंबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये होगा, या फिर टू ए बी सी होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, या फिर टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आज के लिए पांच ही था, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मैं लाऊंगी, तब तक के लिए और बाय, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।